नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल DTH ट्रिक्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको डिस्क के वायर के ऊपर कनेक्टर लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, और वो भी बिना किसी स्पेशल टूल को यूज किए हुए। तो इसकी कंप्लीट जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको डिस्क के वायर के ऊपर कनेक्टर लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, और वो भी बिना किसी स्पेशल टूल को यूज किए हुए। तो आपको ये वीडियो देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ जॉइंटर है, कुछ कनेक्टर हैं। तो ये दोस्तों आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, और इनकी कीमत दोस्तों मार्केट में 10 से 15 रुपए के बीच में होती है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये। तो ये देखते हैं, और इन्हीं को मैं आपको लगा के बताऊंगा यहां पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये केबल यूज़ करने वाला हूँ। केबल के दो टुकड़े हैं, RJ6 की जो केबल होती है उनके दो टुकड़े हैं, तो इनको मैंने काट लिया। तो जब भी आप दोस्तों अपने डिस्क के वायर में कनेक्टर लगाएं, तो उससे उसके आगे का हिस्सा थोड़ा सा काट लीजिए। तो इस तरीके से आपको उसको साफ कर लेना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको किया। और अब दोस्तों आपको इसको छीलना है, कितना छीलना है वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो बीच का हिस्सा है उस के साथ में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको ना तो काटना है और ना ही उसको छीलना है। केवल जो तांबे का तार है वो आपके दोस्तों रहना चाहिए, उसको आपको काटना नहीं है। तो आपको कितना कितना काटना है दोस्तों, आपको सबसे पहले एक एक सेंटीमीटर छीलना होगा। ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है उसको आपको एक एक सेंटीमीटर छीलना होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक सेंटीमीटर ये देखिए इतना होता है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों दोनों वायर के टुकड़े हैं उनको एक एक सेंटीमीटर छील लेता हूँ। तो इस तरीके से छीलना है कि दोस्तों केवल जो बीच का वायर रहता है तांबे का वही बचा रहे और उसके ऊपर कुछ भी ना रहे। तो मैं छील लेता हूँ इसको, ये देखिए। और जब ये छिल जाए तो आपको इस तरीके से अलग कर देना है इसको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब जो ये दूसरा वायर है इसको भी मैं छील लेता हूँ इसी के बराबर से। तो यहाँ से मैं छीलूँगा इसको। ध्यान रखिए कि दोस्तों जो बीच का वायर है तांबे का उसको आपको काटना नहीं है। तो ये देखिए, ये भी छिल चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दोनों वायर के हिस्से हैं वो छिल चुके हैं। अब आपको कनेक्टर लगाने से पहले करना क्या है दोस्तों, जो ये ऊपर का काला काला हिस्सा है वायर का, इसको आपको छीलना है। कितना छीलना है वो बता देता हूँ। तो इसको दोस्तों आपको स्केल से नापना है, और 3 से 4 mm ही छीलना है, ज़्यादा नहीं छीलना, इतना इतना ही छीलना है। तो वो छील के बता देता हूँ आपको। तो केवल ये ऊपर का हिस्सा ही छीलना है, बीच का हिस्सा नहीं छीलना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको छील लेना है इसको, और जब ये छिल जाए तो इसको आपको बाहर निकाल देना है इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों जो ये तार दिखे इनको आपको पीछे करना है, ये जाली वाले तारों को। ये दोस्तों तार जो बीच का तांबे का तार है उसके टच नहीं होनी चाहिए। तो ये देखते हैं, और जो अब ये वाला वायर है इसको भी मैं छील लेता हूँ, इतना ही छिलूँगा, ज़्यादा नहीं छिलूँगा। तो इसको मैं रखता हूँ इसको, और यहाँ से छिलूँगा इसको मैं। 3 से 4 mm छीलना, ज़्यादा नहीं छीलना आपको इसको, और केवल ऊपर का हिस्सा ही छीलना है, ये देखिए। और जो ये तार निकले जाली वाले, इनको आपको पीछे की तरफ कर देना है। तो देखते हैं, दोनों वायर हमारे छिल चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आपको करना क्या है, इसमें कनेक्टर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये वाला कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, तो इसको मैं लगाऊँगा इसके अंदर। तो ये देखिए, तो देखते हैं यहाँ पर कनेक्टर लग चुका है और एकदम बिल्कुल फिट बैठ चुका है ये दोस्तों। इसको मैंने अभी लॉक नहीं किया, लॉक करके मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये देखते हैं, और अब जो दूसरा वायर है इसमें भी आपको मैं लगा के बता देता हूँ। तो इसको लगा के बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए, ये थोड़ा टाइट है इसके अंदर, और ये देखिए ये भी लग चुका है दोस्तों। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारे जो कनेक्टर हैं वो यहाँ पर फिट बैठ चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इनको लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, ये जॉइंटर लेना है, और इसमें आपको जॉइंटर लगा देना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, जो प्लास का ये बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से आपको पकड़ना है इसको, काले वाले तार को, और आपको नीचे रखना है इस तरीके से। और आप दोस्तों कोई भी हथौड़ा या कुछ भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर हल्का हल्का मारना है इस तरीके से। इससे दोस्तों आपका जो कनेक्टर है वो लॉक हो जाएगा। और ये देखिए, देखते हैं कनेक्टर लॉक हो चुका है हमारा। और इसी तरीके से अब जो दूसरा कनेक्टर है उसको भी लॉक करके बता देता हूँ मैं आपको। तो ये रहा कनेक्टर, इसको भी लॉक करके बता देता हूँ। तो इसमें इसको कुछ इस तरीके से लगा देना है, और यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है, और ध्यान से देखिए इसको इस तरीके से मारना। ये देखिए, ये भी देखते हैं, ये भी लॉक हो चुका है।
और लो खोलने के बाद में दोस्तों जो आपका वायर है उसमें से कनेक्टर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, कितना भी आप इसको खींच लीजिए आपका जो कनेक्टर है वो ढीला नहीं होगा, और इससे दोस्तों आपके जो सिग्नल है वो भी लॉस नहीं होंगे। तो देखते हैं इस तरीके से आप कनेक्टर को लॉक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप कनेक्टर को वापस से अनलॉक कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको प्लास से ये यहाँ पर ये वाले हिस्से को पकड़ना है, जो ये वाला, और जो इस तरह का कटर होता है उससे आपको जो ये हिस्सा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है, और इसको 2-3 बार हिलाना है इससे। तो इससे इस तरीके से हिलाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए, देखते हैं कनेक्टर हमारा वो अनलॉक हो चुका है। और ये देखिए, आप वायर वापस से वायर को निकाल सकते हैं। और बात करते हैं इसको कैसे आप अनलॉक करेंगे। तो जो ये काला वाला हिस्सा है इसको आपको इससे पकड़ना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से इस तरीके से इसको 2-3 बार ट्विस्ट करना है। जैसे आप इसे ट्विस्ट करेंगे तो ये देखिए, ये भी अनलॉक हो चुका है, और इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा टाइट बैठता है वायर के अंदर, तो ये देखिए ये भी निकल चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको दोनों कनेक्टर को लॉक करके और अनलॉक करके बता दिया। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने कनेक्टर को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि किस तरह से आप अपने डिस्क के वायर के अंदर कनेक्टर लगा सकते हैं और उसको वापस से अनलॉक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली सब इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख पाएँ। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।